पंजाब के हालात जो हालात चल रहे थोनू पता है गंभीर हालात हो रहे कौन खराब कर रहे हैं ये भी दुनिया जानती है। पंजाब दे विच गवर्नर ही राज लाना चाहते हैं, गवर्नर का राज ला के उच्च न्यायालय ये फैसला कर देनिया भी हुण SYL का पानी पंजाब का पंजाब तो बाहर जाएगा तो फिर यदि इंप्लीमेंटेशन कौन कराएगा गवर्नर कराएगा फिर की होएगा पानी अगर बाहर चला गया तो पंजाब उजड़ जाएगा जमीना बरानी हो जानियाँ किसानी मर जाएगी जो किसानी मर जाएगी तो साडा नौजवान बेरोजगार हो जाएगा तो जो नौजवान पंजाब का किसान का बेरोजगार होया भुखा मरदा होया फिर वो हाथ चो बंदूक फड़ावांगे फिर जो एक कमजोर होएगा पंजाबियों ते उन्हीं कोई राज कर सकता पंजाबियों ते राज नहीं कर सकता कोई जे पंजाबी नूं रोटी मिलती रहे ना कल्ली रोटी ढिड दी तो पंजाब ते कोई राज नहीं कर सकता इन्हां ने अहमद शाह अब्दाली नहीं टप्पण दिता। आर्थिक तौर पर पंजाब नूं कमजोर करना चाहुंदियां ने सरकारां ते आर्थिक कमजोर करके मेरे पंजाब दे लोकां ते राज करना चाहुंदियां क्योंकि भुखा मरदा तां की करूगा व्यक्ति। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने केंद्र सरकार दे इल्जाम लगाए ने जिस विच उन्हां कहा है कि केंद्र सरकार पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज लागू करना चाहती है क्योंकि उन्हां वल्लों पंजाब नूं आर्थिक पक्षों कमजोर करन दीआं कोशिशां लगातार कीतीआं जा रहीआं ने। दूजे पासे उन्हां मुख्यमंत्री भगवंत मान दी कारगुजारी ते वी सवाल चुके ने। देखो जिहड़ी SYL दी मीटिंग है अल्टीमेटली इह की हो रहा है लोगों नूं बेवकूफ बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरकार ये गल चाहती है कि असी पंजाब का पानी हरियाणे च लैके जाना है बेजिद लेकिन उन्हां कोले कोई चारा नहीं है। उन्होंने खेती के जिहड़े कानून बनाए सन वो ये चाहते सन कि पंजाब के लोग तो पंजाब का किसान जिहड़ा कमज़ोर हो जाए लेकिन पंजाब के किसानों ने लड़ाई लड़ी बॉर्डर से और सरकारां नूं झुकना पिया। ये गल कतई हिंदुस्तान की सरकार नूं मंजूर नहीं है कि एक ऐसी कौम ऐसे लोग जिन्होंने साडे फैसले नूं उल्ट करवाया वापस कराया हुण कोई होर अख्तियार अपनाया जाए फिर उन्होंने उच्च न्यायालय का सहारा लेके तुसीं समझदे हो की हो रहा है। जिहड़ी इत्थे वाली सरकार है बदलाव की सरकार है बड़ी अनजान सरकार है इन्हां नूं ये नहीं पता भी कहना की है तो करना की है। जिस तरह उन्होंने कहा कि असी चंडीगढ़ के हरियाणे नूं वक्खरी कमेटी देना विधानसभा देनी चाहुंदे तो साडे वाले मानदे शेरां ने की किया इहदा विरोध करना चाहिए सी कि 60% साडा चंडीगढ़ तो अज भी हिस्सा है 60-40 की रेशो है और जो चंडीगढ़ उजड़िया चंडीगढ़ बनया से उदों पंजाब के पिंड पंजाबी बोलते इलाके उजड़े सन हमेशा असी क्लेम करते हैं चंडीगढ़ से और लोंगोवाल अकॉर्ड के समझौता होया राजीव लोंगोवाल भी चंडीगढ़ पंजाब का तो साडे वाले ने की किया इहदी लड़ाई लड़न की बजाय कहता कि ठीक है सानू भी एक वक्री विधानसभा दे दिओ। उस तरह दीआं मीटिंगां चल रही हैं केवल मीटिंगां चल रही हैं भी जिहदे च पंजाब दे मुख्यमंत्री ने पार्टीसपेशन कीती है उत्थे पक्ष की रखिया है की नहीं रखिया किद्दां दी लड़ाई चल रही है किद्दां कानून दे माहिरां नाल सलाह मशवरा हो रहा है इहदे ते कोई विचार नहीं कर रहा। होना की है मैं होना ही गल दसदा तुहानूं अंत में होना है। पंजाब दे हालात जो हालात चल रहे तुहानूं पता है गंभीर हालात हो रहे कौन खराब कर रहा है ये भी दुनिया जानती है। पंजाब दे विच गवर्नर ही राज लाना चाहते हैं गवर्नर का राज ला के सरकार अनजाण है गवर्नर का राज ला के उच्च न्यायालय ये फैसला कर देनिया भी हुण SYL का पानी पंजाब का पंजाब तो बाहर जाएगा तो फिर यदि इंप्लीमेंटेशन कौन कराएगा गवर्नर कराएगा फिर की होएगा पानी अगर बाहर चला गया तो पंजाब उजड़ जाएगा जमीना बरानी हो जानियाँ किसानी मर जाएगी जो किसानी मर जाएगी तो साडा नौजवान बेरोजगार हो जाएगा तो जो नौजवान पंजाब का किसान का बेरोजगार होया भुखा मरदा होया फिर वो हाथ चो बंदूक फड़ावांगे फिर जो एक कमजोर होएगा पंजाबियों ते उन्हीं कोई राज कर सकता पंजाबियों ते राज नहीं कर सकता कोई जे पंजाबी नूं रोटी मिलती रहे ना कल्ली रोटी ढिड दी तो पंजाब ते कोई राज नहीं कर सकता इन्हां ने अहमद शाह अब्दाली नहीं टप्पण दिता। सो ये आर्थिक तौर पर पंजाब नूं कमजोर करना चाहुंदियां ने सरकारां ते आर्थिक कमजोर करके मेरे पंजाब दे लोकां ते राज करना चाहुंदियां क्योंकि भुखा मरदा तां की करूगा व्यक्ति। दस दईए कि पंजाब दे पाणियां अते चंडीगढ़ वर्गे मुद्दे
लंबे समय तो लटकते ही आ रही है, जिन्हां ते हुण तक केवल राजनीति ही की गई है। हुण वेखणा होवेगा कि आने वाले दिनों विच इन्हां मसलियां नूं सरकारां गंभीरता दे नाल लैंदियां ने जां फिर नहीं। होएगी किसानां दी गल, नवीं खेती मशीनां, बीजां ते बागां दी गल, लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।